So finally, long time we decided to go somewhere. So अभी जा रहे हम लोग घूमने के लिए कहीं और finally एक हफ्ता हो गया और एक हफ्ते के बाद में हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए. तो उसी रास्ते के लिए है हम लोग और ये काफ़ी खूबसूरत जगह होने वाला है आप लोगों को देखने के लिए भी हम लोगों के लिए भी. बेसिकली ये हमारा पहली बार नहीं इधर जाने का, हम लोग कई बार जा भी चुके हैं तो लेकिन ब्लॉग में पहली बार आप लोग देखोगे तो दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ. ये राहुल के घर साइड के तरफ की ये लोकेशन है तो ये काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है. एंड वेलकम बैक टू माई ब्लॉग चैनल गाइज, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हैविंग अ नाइस डे. एंड टुडे आई ऑल्सो हैव राहुल विद मी. तो आई होप आपको इतने शॉर्ट में यहाँ की ब्यूटी मालूम पड़ गया होगा कि यहाँ का ब्यूटी कैसा है. तो ये अभी स्टार्टिंग है, वो स्टार्टिंग था और ये इतना ही सा नहीं. तो अभी हम लोग इस रूट पे हैं, रूट से हम लोग जा रहे हैं माउंटेन पे, आई थिंक आपको दिख रहा हो. और अभी जाते हैं पास में तो आपको दिखाते हो माउंटेन कैसा है. तो उस माउंटेन के बाद में तो हम लोग चलेंगे उधर सीतागढ़ ट्रप, उधर भी थोड़ा सा ब्यूटी आपको आप लोगों को दिखा देंगे. तो इस पूरे जगह का नाम सीतागढ़ा ही है और इस पहाड़ का नाम क्या है, हाँ जुलजुल. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस माउंटेन जो कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत देखा होगा. एंड सो हम लोग थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे, पूरे ऊपर नहीं चढ़ेंगे, थोड़ा ही सर चढ़ेंगे. इस पहाड़ के बारे में और भी कुछ बातें हैं वो आगे चल के आपको बताते हैं. सो बेसिकली ये रास्ता पानी ने खुद अपने लिए बनाया है क्योंकि ओबियसली पहाड़ से जब पानी ड्रेनेज करता होगा तो ये इधर से ही अपने रास्ते बना करके नदी तरफ जाता होगा. तो अभी यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ करते नहीं लेकिन जाते हैं आगे. राहुल गाड़ी लेके उधर से जा रहा और मैं चलता हूँ पैदल. सो आई एम क्लाइंबिंग एंड राहुल इज़ नॉट, वो बोल रहा है उसका थोड़ा स्ट्रेंथ नहीं है चढ़ने का सो वो क्लाइंब नहीं करेगा. मैं पूरे पहाड़ को पूरे ऊपर तक जो पीक है पीक पे तो नहीं चढ़ूँगा लेकिन आधे दूर तक जरूर चढ़ूँगा. आप देख रहे हैं वहाँ पे उस जगह पे वहाँ तक ज़रूर जाऊँगा, वहाँ तक थोड़ा एडवांटेज है इसलिए जाऊँगा. अभी से हालत ख़राब हो रही है यार, यहाँ से काफ़ी बड़ा ड्रेनेज निकला हुआ है. सो नाउ आई एम फीलिंग लाइक बियर ग्रिल्स ऑफ डिस्कवरी चैनल. सो या इधर से मैं यहाँ से तो यहाँ पे आ गया लेकिन यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ब्लॉकेज रास्ता, में आगे नहीं जा सकता और कोई रास्ता मुझे नहीं नज़र आ रहा. आगे से आ रहा है, आगे से भी जा सकता हूँ तो आगे से ही चलते हैं. सो इधर से चढ़ सकते हैं और बेसिकली मुझे उस जगह पे जाना है, आप वहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जाना है. सो वहाँ पर जा कर के थोड़ा सा बैठेंगे और राहुल तो नीचे ही तो ज़्यादा देर तो बैठेंगे नहीं. सो पहले सबसे पहले यहाँ पे बैठते हैं और एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं आप लोगों को. सो इस माउंटेन पे ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वक्त आ जा सकते हो क्योंकि ये माउंटेन थोड़ा बिज़ी है. बिज़ी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो BSF के सोल्जर्स यहाँ पे ट्रेनिंग करते रहते हैं लेकिन वो किस टाइम पे करते हैं वो हम लोगों को नहीं मालूम रहता है. जैसे कि अभी नहीं कर रहे तो अभी हम लोग आ गए लेकिन उन लोगों का कोई ख़ास टाइमिंग नहीं है. अब यहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग करते हैं वगैरह, फायर वगैरह बॉम्ब वगैरह चलाते हैं. प्रूफ मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो द 3 एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स आर हियर जो कि BSF सोल्जर्स लोगों ने इस ये यूज्ड उसका यूज बॉम्ब का यूज सेल है ये यूज़ कर दिया गया है और इसके अंदर पता नहीं क्या है. तो
पूरा भरा हुआ है, और किस चीज़ से भरा हुआ आई डोंट नो। एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स होते हैं वो, इसके सेल रखे हुए जो कि यूज्ड सेल हैं, तो कोई भी ऐसा स्कैरी वाली बात नहीं है। सो अब मैंने चढ़ना स्टार्ट कर दिया, और ये जो जगह है वो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ तक चढ़ गया हूँ। और आप देख सकते हो मैं तभी नीचे था और अभी आधे ही दूर चढ़ा हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी ऊपर लग रहा है। इट्स अ हाई एल्टीट्यूड। सो फाइनली आई एम हेयर राइट नाउ, और यहाँ पे विंड की फ्लो थोड़ी सी तेज हो गई है, तो मुझे लग रहा है कि विंड ब्लास्ट थोड़ा हिट कर रहा होगा वीडियो को। सो यहाँ पे ये चार पत्थर है और मैं बैठूँगा इस पत्थर पे। सो ये माउंटेन वहाँ से स्टार्ट होता है, आप देख सकते हो वहाँ से स्टार्ट होता है, और ये हाफ 360 में घूम के यहाँ तक आ जाता है, तो काफ़ी लंबा है और काफ़ी ऊंचा है। सो ऊपर भी हम लोग चढ़ सकते हैं, लेकिन चढ़ेंगे नहीं क्योंकि अभी हम लोग किसी भी सेफ्टी के साथ नहीं आए, तो सेफ्टी इज़ मस्ट, ज़रूरी हमारे लिए, किसी के भी लिए। तो अभी तो ये आधा चढ़ना तो काफ़ी आसान था। सो चलते हैं अभी नीचे, फिर चलेंगे और इस लोकेशन का थोड़ा सा और टूर देता हूँ आप लोगों को। तो आई एम राइट बैक टू डाउन, और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो और कुछ है भी नहीं, जो भी था मैंने दिखा दिया। सो चलते हैं, ले ले एक तो गंदा है ही। सॉरी, अरे रुक। लेट्स गो। सो इस लोकेशन पे हम लोग यहाँ पे आके रुके हैं, बेसिकली रोड के बीच में ही आके रुके, और तभी मैं माउंटेन के उस साइड में था, और अभी इस साइड में ये रोड क्रॉस करता है। सो इस साइड में है, और यही ब्यूटी आपको खूब लंबे तक आपको देखने को मिलेगी। सो इसी लोकेशन के लिए मैं बात कर रहा था, और तो यहाँ पे और लोकेशन ज़्यादा कुछ है नहीं। सो यहाँ का कुछ सिनेमेटिक शॉट्स आप देख लो, और उसके बाद फिर चलेंगे यहाँ से, कंटिन्यू करेंगे आप लोग हम लोग घर के लिए। हम लोग आए थे पहले उस साइड से, लेकिन अब जाएंगे इस साइड से। दिस इज संत गार्बेल्स हाउस, एंड आई डोंट नो इसके अंदर क्या है। मैंने तो आप लोगों को ये तो बता दिया कि ये जो पूरा लोकेशन है फोटोग्राफी शूटिंग के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, लेकिन एक चीज़ और है कि लोग अपने लाइफ में शांति कुछ पाना चाहते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश होता है, तो ये जगह उसके लिए भी बेस्ट है। तो इस रास्ते में एक और खूबसूरत चीज़ हम लोगों ने देखा, इसके अंदर मैं तो कभी नहीं गया, ये जगह का नाम है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, ये थोड़ा स्मॉल गार्डन टाइप लग रहा है मेरे को। तो अंदर चलते, आप वहाँ पे देख सकते हो कुछ स्टैचूज वगैरह लगे हुए हैं, ये मैंने पहली बार नया चीज़ देखा। इसके बारे में तो मुझे कभी मालूम भी नहीं था, अभी मैं आया और अभी देख रहा हूँ कि ये है। सो ये यहाँ का भी काफ़ी खूबसूरत जगह लगा, पूरे इस लोकेशन में ये काफ़ी खूबसूरत जगह, और वाह क्या सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि पूरी शांति यहाँ पे। सो यहाँ का भी मैं कुछ सिनेमेटिक शॉट दे देता आपको।
फॉलो द रूल। सो एज यू रीड आउटसाइड शांति की रानी, सो इनका आई थिंक नेम शांति की रानी ही होगा, आई थिंक शी इज़ द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो इस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करना चाहिए वो तो नहीं है, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी। सो फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चैनल पर नए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्लीज़ दबा करके जाना। आज के लिए बस इतना, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हैव फन, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू, बाय बाय।